एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल का माप क्या होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है कि स्क्वायर के प्रत्येक एंगल का माप क्या होता है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है, यहाँ पे मैंने इसका पिक्चर बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो होता है ये सीधा, यहाँ पे इसका जितना भी एंगल है वो बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, लाइन इसका सीधा रहता है। तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री और सारे के सारे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर आप मापना चाहें तो माप के भी देख सकते हैं, कम्प्लीटली ये 90 डिग्री का ही बनता है, इस तरह से सीधा है तो 90 डिग्री का एंगल है, ये सब 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा हुआ है आप उसी प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जो है 90 डिग्री लिख सकते हैं, वैसा भी आंसर हो सकता है। नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द मेजर ऑफ, द मेजर ऑफ, मेजर ऑफ ईच, ईच एंगल्स ऑफ द एंगल्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एंगल लिख दीजिए, ईच के साथ एंगल्स नहीं लगता, एंगल लिखिए, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 में भी स्क्वायर का जो होता है प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सबके सब 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें भी वैसा ही आंसर लिख देते हैं, द मेजर ऑफ ईच एंगल, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।